हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी तिली की मिठाई की रेसिपी। यहाँ पर मैंने घर की देसी तिली ली है, इसको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मैंने एक गैस पर तवा रख दिया है, इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बहुत ही अच्छे से खुशबू आने तक इसको हम सेकेंगे। यह मेरे घर की तिली है, इसका थोड़ी कलर चेंज होता है, यह बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको थोड़ी ठंडा करके इसका अब हम पाउडर बनाएंगे। इसको हमें मिक्सी जार में डालकर इसका दरदरा सा हम पाउडर बना लेंगे। तिली के बहुत फ़ायदे होते हैं, तिली की आप लड्डू बनाइए, तिली की आप मिठाई बनाइए, यह बहुत ही हेल्दी होती है। इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 कटोरी तिली ली थी, तो अब हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और यहाँ पर हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। बहुत ही जल्दी यह मिठाई बन जाती है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। और तिली गर्म होती है, तो अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। यह बहुत ही हेल्दी होती है तिली। अब यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची को मैंने थोड़ी दरदरा सा कूट कूट लिया था। अब हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें थोड़ी चिपचिपासापन आ जाए इतनी ही चाशनी हमें रखनी है। एक बार इस तरह से चेक करके देख लें, थोड़ी इसमें चिपचिपापन आ चुका है। बस हमारी चाशनी बहुत अच्छे से उबल चुकी है। तो अब हमने जो तिली पीस कर रखी है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिए जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल दी जाए बहुत ही अच्छे से। गैस की फ्लेम हम अभी लो टू मीडियम रखेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसको इस तरह से अच्छे से, इस तरह से पैचुला से दबाते हुए इसको अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही कम समय में, 5 मिनट में यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए 2 चम्मच इस तरह का से आता है मिल्क पाउडर का, इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर निकलता है, तो मैंने वही इसमें डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप देख सकते हैं। इसको चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुकी है, इसने तले को छोड़ दिया। तो इसको हम थाली में जमाएंगे। तो थाली को मैं इस तरह से घी से ग्रीस कर रही हूँ। अब हम थाली में इसको हम हाफ पोर्शन में, आधे पोर्शन में इसको हम थाली में इस तरह से फैला देंगे। मैं 2 लेयर की बना रही हूँ, तो इसमें हम इसको मैंने सारा थाली में इस तरह से फैला दिया है। अब बचे हुए पोर्शन में यहाँ पर मैं कलर डालूँगी, तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रूट कलर लिया है और यहाँ पर मैंने येलो कलर का उपयोग किया है। देखिए इस तरह से मैंने कलर अच्छे से इसमें मिला दिया। अब इसको भी हम इसके ऊपर से बहुत ही अच्छे से फैलाएंगे। बहुत ही आसान है इस तरह से मिठाई बनाई है तिली की, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही हेल्दी होती है तिली। तो हर किसी को तिली का कोई ना कोई उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने आज मिठाई बनाई है, तो आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर किया है। इस तरह से ड्राई फ्रूट लगाएँ। अब इसको हम किचन सेंटर पे ही आध घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ, आधा घंटा हो चुका है। बहुत ही कम समय में यह बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, आधा घंटा में ही यह बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसके हम इस तरह से निशान लगाकर इसके फीस बना लेंगे। आप चाहो तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यह सेट हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पर इसको किचन सेंटर पे ही रख दिया था, फिर भी यह बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। आप लोगों को काट कर मैं दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू।